आके सुकून है। यहाँ देख रहे हो केएमपी हाईवे से, ये पीछे की साइड में आप जो देख रहे हो पहाड़ों का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पहाड़ों का, मतलब अच्छा मतलब मौसम है और सर्दी यहाँ खास कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस। और यहाँ देख रहे हो गाइस, मतलब यहाँ ये केएमपी हाईवे पर बड़े बड़े यहाँ वाहन मतलब ट्रकें वगैरह जा रहे हैं यहाँ से। सो हाय गाइस, वेलकम टू माय अदर ब्लॉग। सो गाइस, अभी फाइनली अभी मैं मथुरा में हूँ। से निकल के आया था, गुड़गांव से मैं निकला था नाइट में। तो क्या हुआ था कि मैं नाइट में अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पाया था, क्योंकि नाइट में और ठंड का भी टाइम था, और अभी भी इतना मतलब थोड़ा ठंड मतलब थम गया है। और फाइनली गाइस आज मैं जा रहा हूँ अपना गुड़गांव वापस लौट के। और अभी मेरे को यहाँ रास्ते में एक दो काम है, जो कि अभी मेरे को यहाँ वृंदावन जाना है। वृंदावन जाने के बाद में मैंने वृंदावन में अपना आईटी ऑफिस पहुँच गया, पहले अपना मथुरा में था, तो अभी वो वृंदावन पहुँच गया। और वहाँ जाके अपना लाइसेंस बनवाने के लिए डलवाया था मैंने। और वहाँ मेरे को बस थोड़ा सा काम है, मेरे वहाँ लाइसेंस के फ़ोटो वगैरह होने, तो वो फ़ोटो वगैरह कंप्लीट करवाने के बाद में फिर मैं सीधा। आप लोग एंड तक बने रहना मेरे चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, जाकर के चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस अभी मैं सबसे पहले चलता हूँ नीचे। यहाँ देख रहे हो, ये अपने मामा की लड़की हो गई और ये अपनी प्यारी सी भांजी हो गई, जो कि इसका नाम पंछी है। अभी दूध पी रही है। और इधर में आप जो देख रहे हो, ये बड़ी लाली हो गई, इसका नाम पलक है, और ये भी अपनी बड़ी भांजी है। और ये पूनम है, जो कि इसका अगले महीने में शादी होने वाली है 16 फरवरी को। तो आप लोग कमेंट करके बता दें भाई, किसी शादी में शादी के लिए इनवाइट कर दे सभी को। सब शादी आप लोग भाई, आप लोग भी शादी में ज़रूर आना। और मैं अपना एड्रेस यहाँ लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और इधर बैठी हुई है अपनी मम्मी जी, साइड में हाई कर दो। और फाइनली गाइस अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, और मैं सीधा निकल रहा हूँ यहाँ से वृंदावन के लिए। और वृंदावन जाके मेरे को वहाँ लाइसेंस का फोटो वोटो कराना है। फोटो वोटो कराने के बाद में फिर सीधा मैं अभी फिलहाल निकल दी। हाँ तो फाइनली गाइस मैं यहाँ वृंदावन पहुँच चुका हूँ। और साइड में अगर आप ये देख रहे हो, ये अपना आईटी ऑफिस का गेट हो गया, आईटी ऑफिस का गेट है ना ये। और जिन्होंने मेरा लाइसेंस का काम करवाया, और उनका नाम है कान्हा भाई, ये साइड में बैठे हुए हैं भाई कुछ। इन्होंने मेरा पूरा काम लाइसेंस का मतलब करवाया, मगर आज मेरे फ़ोटो वगैरह होने थे, वो इन्होंने कम्प्लीट करवा दिया है। नंबर कितना आया भैया? आज या कल में आ जाएगा। आज या कल में अपना नंबर भी आ जाएगा, और फिर मेरे को फाइनली एक्टिवा को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहना एंड तक, आज के ब्लॉग में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आने वाला है। तो गाइस अभी हम निकलते हैं, ठीक है? तो ठीक है खाना भैया, ओके। की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत। अपना ये पीछे में आप देख रहे हो प्रेम मंदिर रास्ते में पड़ता है, तो अभी आप लोग देख सकते हो यार कितना अच्छा देखने में ये हमारा प्रेम मंदिर है वृंदावन में। आप लोग भी आइए, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने की। और साइड में मैंने यहाँ अपना एक्टिवा खड़ा किया है, और पीछे में यहाँ अपना खाने पीने के लिए मतलब दुकानें लगी हुई हैं। काफ़ी अच्छी जगह है यार, आप भी आइए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा है। और नाइट में भी आइए तो बहुत अच्छा, मतलब बहुत कई सारी प्रकार की यहाँ लाइटें। अभी मैं फ़िलहाल में यहाँ से निकलता हूँ, आप लोगों को राम मंदिर पड़ता है, आप लोग आइए कभी, बहुत ज़्यादा इन्जॉय आता है। तो मैं हाँ तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ कोसी कला से आगे निकला हूँ। और ये जो अपना पीछे हाईवे जा रहा है, ये अपना कोसी कला से आगे आ चुका हूँ मैं मथुरा से। और सीधा अभी अभी मेरे को कम से कम एक दो घंटे का सफ़र और तय करना है। हाँ तो फाइनली गाइस मैं अभी पूरा रेडी हो चुका हूँ निकलने के लिए। जैसे कि आप देख रहे हो मेरे ऊपर से ये एयरपोर्ट जैकेट डाल दिया है, ताकि हवा ना लगे मेरे को। हाँ तो फाइनली गाइस अभी मैं पहुँचा हूँ अभी केएमपी हाईवे पर, चला एंजॉय आ रहा है सफ़र करते टाइम। और ये आप देख रहे हो यार कितना यहाँ आके सुकून है, यहाँ देख रहे हो केएमपी हाईवे से, ये पीछे की साइड में आप जो देख रहे हो पहाड़ों का नज़ारा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यहाँ से। मतलब काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पहाड़ों का, मतलब अच्छा मतलब मौसम है, और सर्दी यहाँ खास कुछ ज़्यादा नहीं है गाइस। और यहाँ देख रहे हो गाइस, मतलब यहाँ ये केएमपी हाईवे पर बड़े बड़े यहाँ वाहन मतलब ट्रकें वगैरह जा रहे हैं यहाँ से।
मतलब पीछे की साइड में भी देख रहे हो गाइस, वहाँ भी इधर की साइड में भी पहाड़ है और इधर की साइड में मैंने आपको दिखाई दिया है पीछे में। मतलब बहुत ज़्यादा एक सुकून सा यहाँ आके मिल रहा है। रास्ते में मैंने बस कुछ ही टाइम में मैं अपना रूम का फोन जाने ली गाइस, मैं अभी अपने रूम पर आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ये रूम है और इधर में ये अपने हामिद भाई बैठे हुए हैं, इधर में ये अपना पीछे में अपना बेड हो गया। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि सफ़र में आज बहुत ही ज़्यादा एंजॉय आया अपना एक्टिवा को लाते समय, मतलब बहुत ही एंजॉय, अपना मस्ती से अपना कानों में एयरबूथ लगा रखा था और आराम से मत्थम मत्थम सॉन्ग चल रही थी। तो बाइक मतलब बाइक से ज़्यादा मेरे को एक्टिवा को चलाने में ज़्यादा मतलब एंजॉय मतलब आनंद आ रहा था। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना ताकि मेरे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और आज का ब्लॉग मैं यहीं पूरा करता हूँ और मिलता है भाई आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ओके टेक केयर।